गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवचि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित समस्त भक्तवृंद को यथाजोग्य मु प्रणाम जनावि। आज आम मैंने श्रवण करवा भगवान कहते केवल मु भक्ति द्वारा ही संतुष्ट हुए, अन्य कौन से द्वारा मु संतुष्ट हुए नहीं। तेणु भागवत कहते ना अहम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानी नांच आत्मभूतानाम जता भक्ति मतामिह। अर्थ होची भगवान कहुछंती मु केवल भक्ति को द्वारा ही संतुष्ट हुए, ज्ञानी नाम आत्मभूतानाम ज्ञानी द्वारा एवं योग द्वारा अन्य कौन से द्वारा मु संतुष्ट हुए नहीं, केवल भक्ति द्वारा संतुष्ट हुए। तेणु से रूप गोस्वामी कहते वंश को विदुरस्य जादव पते ऋग्स्य किं पौरसम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रिय माधव। अर्थ होची यदि कहीं चिंता करती महाप्रभु को पाइबा को हेले श्रेष्ठ वंश रे जन्म नेले तबे तो आम महाप्रभु को पाई पारिबू। तेणु एटी रूप गोस्वामी कहते बोले वंश को विदुरत विदुरस्य विदुर को वंश थिला सेले दासी पुत्र हैं। जिते बड़े भगवान कृष्ण शांति दूत रूप से जाती दुर्योधन को कहले तुमको बेसी किसी दवा को हमने पांडव मान को खाली पांचटा गाँ दे दियो, से पांचटा गाँव रे ही से संतुष्ट है जीवे। तेणु दुर्योधन कौन कहला बिना युद्ध नाही दीव सुचाग्र में दिनी हैं। कहते पांचटा गाँ कथा कहते बिना युद्ध छड़ा मु सुचाग्रम मेदिनी पर्यंत देवाई राजी नुह। कृष्ण को संतुष्ट करने दुर्योधन आगे कौन कर से भल भल खाइबा तैयारी करा बोली ये तो हूँ गौड़ पिला भल भल खोईकि संतुष्ट करदेवी निजे हाथ मुठी रखी। से समय दुर्योधन कहले देख ये कथा पर विचार करवा चल प्रथम बसिकी भोजन करनी। कृष्ण कहले देख भोजन तीन जगार करते प्रथम जगह हूँ यदि कहीं मित्र हूँ मित्र घर के भोजन करती बोले मु कौन तुम मित्र नुह बोले ना बोले कहीं बोले पांडव हेले मोर भक्त मोर भक्तंकर जे मित्र सी हेले मोर मित्र मोर भक्तंकर जे शत्रु सी हेले मोर शत्रु तेने पांडव तुम शत्रु तेणु मोर मध्य तुम शत्रु। द्वितीय जगार कौटी खाती जदि भोक थाए कि मुझे आत्मा राम आप काम मु तो परिपूर्ण तेणु वेद कौन कहते भगवान हेले बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हेले पूर्ण आप तो काम आप तो राम हेले भगवान तेणु मोर तो भोक नाही तेणु मुझे खाइबि कौन। तृतीय जगार जो काम पाई आम जाए थाओ से कामटी जदि हो जाए कौन कहू कामटा होगा चल आम कि खाई जीवा किंतु जो काम पाई आसती मैं से कामटा तो हैलानी तो मुझे खाइबि केमी बोले आगे कहीं कहले तुम आम एत भल व्यवस्था करें कौटी खाए बोले खाइबि कौटी। तेणु दुर्योधन तुम बंदी करने चाहिए बोले ग्वाला आपको बंदी कर बोले मत बंदी कर बोले हाँ। से समय भगवान से विराट रूप देखेले से विराट रूप देखी भगवान कौटी गले विदुर को घर गले विदुर घर गले से समय विदुर घर नथिले विदुराणी घर थिले जितने कृष्ण तांग घर को जाई से केबे हेले चिंता करिनाती मु हेली शूद्र जाति एवं मु हेली मु एते गरीब मो घर केबे हेले कण महाप्रभु आसीबे
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବସେଇବେ, ହୃଦୟରେ ବସେଇବେ ନା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବସେଇବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଇକରି ବସେଇଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବୁ? ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଦଳୀ ଥିଲା, ସେ କଦଳୀ ଆଣିକରି ଚୋପା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଦଳୀ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚୋପା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଦୁର ଆସିଲେ, ବିଦୁର ଆସିକରି ଦେଖିକି ଗଲି, ପାଗଲି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦଳୀର ଚୋପା ଖୁଆଉଛୁ? ସେ ତ ପ୍ରେମରେ ଖୁଆଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରେମରେ ଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ବୋଲି ସେ କଦଳୀ ଖୁଆଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବିଦୁର, ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଏ ନା, ମୁଁ ଚୋପା ଖାଏ ନା, ମୁଁ ତ କେବଳ ପ୍ରେମୀ ଭୋଜନ କରେ, କେବଳ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଭୋଜନ କରେ। ଆଗେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ଏଣେ କଦଳୀରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରେ କଦଳୀର ଚୋପା ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସବସେ ଓଚି ପ୍ରେମ ସଗାଇ, ସବସେ ଓଚି ପ୍ରେମ ସଗାଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ କି ମେବା ତ୍ୟାଗେ, ଶାଗ ବିଦୁର ଘରେ ଖାଇ, ସବସେ ଓଚି ପ୍ରେମ ସଗାଇ, ସବସେ ଓଚି ପ୍ରେମ ସଗାଇ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜଗତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ବନ୍ଧନ, ଯୋଗର ବନ୍ଧନ, କର୍ମର ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ ହେଲା ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସଗାଇ, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କି ମେବା ତ୍ୟାଗେ, ଶାଗ ବିଦୁର ଘରେ ଖାଇ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ବଂଶ କୋ ବିଦୁର ତସ୍ୟ ଯାଦବ ପତେ, ବିଦୁରଙ୍କର କେଉଁ ଜାତି ଥିଲା? ସେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକରି ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାସିଆ ବାହୁନି କରିତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସାଲବେଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବଳ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ବୋଲେ ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ।